अगर अपने रब का नाम लेकर के पढ़ेंगे तो जो परवरदिगार सारी दुनिया को पैदा करने वाला है वो आपको उम्मी होते हुए पढ़वाने पर भी कादिर है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने रब का नाम लेकर के पढ़िए जो कुरान की सबसे पहले वही नाजिल होती है। इससे हमको ये पैगाम मिलता है, जब भी हमको अल्लाह के कलाम को पढ़ना हो, जब भी हमको कोई नेक काम करना हो, हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अल्लाह का नाम लेकर उस नेक काम को शुरू करेंगे। ये हम सब के लिए इसके अंदर पैगाम है। और इस आयत के अंदर जो सबसे पहला लफ्ज़ नाजिल हुआ है वो क्या नाजिल हुआ है, इकरा, आप पढ़िए। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो इकरा आया है कि आप पढ़िए, और पढ़ने के जरिए से तालीम की अहमियत का अंदाज़ा भी होता है कि हम सब के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। लेकिन आज हम लोग जो हमारी सबसे पहली वही अल्लाह के नबी के ऊपर जो नाजिल हुई इकरा पढ़िए, आज मुसलमान सबसे ज़्यादा गाफिल उसी तालीम से हो रहा है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इकरा वरब्बुकल अकरम, एक मरतबा इकरा आ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इकरा फरमाया, इकरा वरब्बुकल अकरम, आप पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, आपका रब वो है जिसने कलम से लिखना सिखाया। तो आज जो हमारे सामने किताबें मौजूद हैं वो तमाम के तमाम किसके जरिए से अल्लाह ने सिखाई, कलम के जरिए से। इससे कलम की अहमियत का भी अंदाज़ा है। अल्लम अल इंसान मा लम यालम, इंसान को वो चीज़ सिखलाई जो वो जानता भी नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, आप अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। तो एक तो तालीम है, और तालीम भी किस चीज़ की है कि जिससे खुदा की मारिफत भी हासिल। बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, किसके नाम से पढ़िए, जिसने पैदा किया है। हमको पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है। तो ऐसी तालीम दी है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत भी हासिल है। तो तालीम से या कौन सी तालीम मुराद है, अल्लाह ताला की मारिफत किस तालीम से हासिल होती है, अल्लाह की मारिफत हासिल होती है किताब व सुन्नत की तालीम से, कुरान की तालीम से, नबी की तालीम से। तो हमको जो तालीम हासिल करनी है, दुनिया की तालीम का इनकार हम नहीं करते, दुनिया की तालीम भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई दुनिया की तालीम के साथ साथ ये तालीम भी हमको सीखनी बहुत ज़रूरी है जिसके ज़रिए से हमको अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन बादल फरीज़ा, के इतना इल्म सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ ऐन है, हर इंसान के ऊपर। और इल्म का सीखना फ़र्ज़ नमाजों के बाद और फ़र्ज़ इबादतों के बाद एक फ़र्ज है। और इतना इल्म सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है जिससे वो हलाल और हराम की पहचान कर सके। मेरे भाइयों, आज हम सब की तालीम से नावाकिफियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज हमारे बाप का, हमारे वालिद का जनाजा हमारे सामने मौजूद होता है, लेकिन बेटे को इतना इल्म नहीं है, बेटे को नमाज जनाजा भी याद नहीं होती। बेटा एक तरफ खड़ा होता है, नमाज जनाजा भी कोई दूसरा होता है। मेरे भाइयों, हमको इतना इल्म ज़रूर सीखना चाहिए कि जिससे हम अपने वालिदैन का कम से कम नमाज जनाजा तो पढ़ा सकें। तो तालीम की अहमियत का इससे अंदाज़ा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये आयतें नाजिल हुई, और आपको ये पांच आयतें देकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अब आप अलैहिस्सलाम की जो हालत थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब वही नाजिल होती थी आप अलैहिस्सलाम की क्या हालत हुआ करती थी। एक सहाबी फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी रान के ऊपर लेटे हुए थे, कुरान करीम की एक आयत नाजिल हुई जिसके अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ नाजिल हुआ, गैरु उलिल ज़रब ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिल ज़रब। एक आयत नाजिल हुई थी कि बैठे रहने वाले वो बराबर नहीं हो सकते ईमान वालों में से, गैरु उलिल ज़रब, कि बैठे रहने वाले, पीछे रह जाने वाले अल्लाह की इबादत करने वालों के और अल्लाह के जो रास्ते के अंदर जिहाद करने वाले हैं उनके बराबर नहीं हो सकते। लेकिन
इस सिलसिले में जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम बड़े परेशान हुए। जिनको कोई ज़रूरत होती है, कोई मजबूरी होती है, जो मजबूरी की वजह से अल्लाह के रास्ते में नहीं जा पाते, उनको बड़ी परेशानी हुई। तो जब ये परेशानी सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी को बतलाई तो उस वक्त में एक आयत का एक टुकड़ा नाजिल हुआ, गैरु उलिस ज़रर। तो एक सहाबी फरमाते हैं कि जिस वक्त ये टुकड़ा नाजिल हुआ गैरु उलिस ज़रर, तो उस वक्त अल्लाह के नबी का सर मेरी रान पर रखा हुआ था और मेरी रान का आलम ये था, ऐसा लगता था कि मेरी रान दब करके चूरा चूरा हो जाए, इतनी सख्त वही होती थी। सिर्फ एक जुमला। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने कुरानी कारी के अंदर जो 28वें पारे के अंदर आयत है उसमें फरमाया, लौ अनज़लना हादर कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, कि ये कुरान अगर पहाड़ के ऊपर भी नासिल हो जाता तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब वही नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हालत थी, आप जब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए, आपने जाकर के कहा, ज़म्मिलूनी इन्नी खशीतु अला नफ्सी, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का खौफ है, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे पूछा, क्या मामला है, आप इतने परेशान क्यों हैं, आज क्या हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा माजरा बयान किया और उस वक्त में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो आपको तसल्ली दी है, आज की जितनी भी दुनिया की औरतें हैं उनके लिए यह जुमला, ये तसल्ली काबिल अमल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, कल्ला वल्लाहि ला युज़िकल्लाहु अबदा, कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता। इन्नक लतसिरुर रहीम व तक़रिज़ ज़ईफ व तहमिलुल क़ल्ब व तुईदु अला नवाइबिल हक़। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो बेसहारों का सहारा बनते हैं, आप तो बेसहारों की मदद करते हैं, तो आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुनिया के अंदर कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, दुनिया के अंदर कितना ही बड़ा अल्लाह का वली क्यों ना हो, वो सारी दुनिया के सामने हीरो बन सकता है, वो दोस्तों में भी हीरो बन सकता है, रिश्तेदारों में भी हीरो बन सकता है, सारी दुनिया के सामने हीरो बन सकता है, लेकिन कोई इंसान अपनी बीवी के सामने हीरो बन जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्ग से उनकी बीवी फरमाने लगी कि रात को मैंने एक शख्स को देखा, एक अल्लाह के वली को देखा कि वो आसमान के ऊपर उड़ रहे। तो उनके शोहर कहने लगे, बुज़ुर्ग, कि दरअसल वो जो बुज़ुर्ग उड़ रहे थे आसमान के ऊपर वो मैं ही था। तो उनकी बीवी कहने लगी कि अच्छा, इसीलिए तो तुम टेढ़े मेढ़े उड़ रहे थे। तो क्या बताना मकसूद है कि एक इंसान कितना बड़ा वली बुज़ुर्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन बीवी की निगाह में वो हीरो नहीं बन सकता। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी ज़ात थी कि आपकी जो सबसे पहली तारीफ की है, आपको जो सबसे पहले हिम्मत बढ़ाई है, आपकी जो सबसे पहले तसल्ली देने वाली है, वो आपकी सौदे मोहतरमा आपकी ही, आपको तसल्ली दी और आपको अपने चचा साहब भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। वरका बिन नौफल ये एक बहुत बड़े यहूदी के आलिम थे, ये बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास जाकर के उनसे बतलाया कि आज उनके सामने ऐसा ऐसा मामला पेश आया। वरका बिन नौफल ने ये पूरा बामाजरा सुनकर के बतलाया कि खुशखबरी हो, तुम्हारे पास जो शख्स ये कुरान की ये आयतें लेकर आया है, ये वही शख्स है जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, और अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि आपकी कौम आपको इस मक्का से बाहर निकाले, आपको नबूवत मिलने वाली है, अगर मैं उस वक्त में अगर जिंदा रहता तो मैं आपका ज़रूर साथ देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई, कहने लगे कि 40 साल मुझको हो गए, 40 साल से सारे मक्का वाले मुझको अपने सरों का ताज बना कर रखते हैं, मुझको अपने सरों पर बिठाते हैं, मुझको सादिक और अमीन कहते हैं, क्या मेरी कौम वाले मुझको इस दुनिया से, इस मक्का से बाहर निकालेंगे?
तो आपको इस पर यकीन नहीं हुआ, आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, आपको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी कौम आपको इस मक्का से बाहर ले जाएगी। चुनाचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इसके बाद में आप अलैहिस्सलाम का जो वही का सिलसिला था वो कुछ देर मुनक़ते हो गया। कुछ दिन तक आप अब किससे आपके सामने वही नहीं आ रही। अब आप अलैहिस्सलाम उस वही की शिद्दत के अंदर और उसके शौक के अंदर उस वही का इंतज़ार कर रहे। आप अलैहिस्सलाम की ऐसी हालत हो गई जब कुछ दिन वही का सिलसिला मुनक़ते रहा कि आप मक्का के पहाड़ों के ऊपर जाते और आपका दिल करता कि अपने आप को पहाड़ी से नीचे ले जाए। आप बड़े बेचैन होने लगे, हर वक्त आपकी निगाह आसमान के ऊपर रही। एक वक्त देखा, एक मरतब आप मक्का के पहाड़ों के ऊपर चढ़े तो आपको एक आवाज़ आई, या मोहम्मद। आप अलैहिस्सलाम ने आगे देखा, पीछे देखा, कहीं कोई नजर नहीं। फिर दोबारा आवाज़ आई, या मोहम्मद। फिर देखा आगे पीछे कोई आवाज़ नहीं। फिर आपने जैसे आसमान की तरफ निगाह उठाई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल नजर आई। क्या देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और आपका इतना बड़ा जिस्म है कि पूरा मशरिक और मगरिब आपके परों से छाया हुआ है, पूरे मशरिक और मगरिब को घेरे हुए। आप अलैहिस्सलाम यह हालत को देख करके बेहोश हो गए। उस वक्त में याद नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़ाअद्धी, ए चादर के ओढ़ने वाले आप खड़े हो जाइए, फ़अन्ज़िर और अपनी कौम को अल्लाह के आदाब से डराइए। अब आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम को डराइए। अब आप अलैहिस्सलाम ने खुफिया तरीके से दीन की दावत देनी शुरू की। अब मेरे भाइयों, अब हमारे सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हालात आने शुरू होते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान लाने वाली है वो आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो ईमान लाने वाले हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा है। बच्चों के अंदर आपकी 7 साल की उम्र है, 7 साल की उम्र में बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन है? ये याद रखने की चीज़ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह। और जो गुलामों के अंदर है, गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो ज़ैद बिन हारिसा है। और चौथे नंबर पर जो तमाम के तमाम मर्दों में, नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं वो कौन है? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिस भी इंसान को दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, किसी ना किसी ने कोई ना कोई तरद्दुद ज़रूर किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ऐसे शख्स हैं कि जब मैंने उनको इस्लाम की दावत दी उन्होंने ज़र्रा बराबर भी तरद्दुद नहीं किया, बल्कि अपना हाथ बढ़ा दिया कि मैं आपके ऊपर इस्लाम लाता हूँ। इसी वजह से तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर सारी दुनिया के इंसानों का हक अदा कर चुका हूँ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ऐसे वाहिद शख्सियत हैं जिनका हक मैं इस दुनिया के अंदर अदा नहीं कर सकता। उनका बदला तो अल्लाह ताला आखिरत के अंदर अल्लाह ही देगा। आप अलैहिस्सलाम ने अब इसके बाद में अपने ख़ानदान वालों को इस्लाम की दावत दी। कुरान की एक आयत नाज़िल हुई, आशी कि आप अपने करीब रिश्तेदारों को डराएं। आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिल चुकी है। अब आप अलैहिस्सलाम के सामने जब यह आयत नाज़िल हुई, वाज़िर आशीमतकल अक़रबीन, आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो कुरैश मक्का थे उनके 40 सरदारों की सबसे पहले आपने दावत की। उस दावत के अंदर आपने क्या किया? आपने खाना बनाया, और खाना सिर्फ बनवाया एक दो बार, एक प्याला खाना बनवाया। आप अलैहिस्सलाम के सामने मक्का के 40 सरदार हैं, खाना का कितना का इंतज़ाम है? सिर्फ 4 से 5 लोगों का। आप अलैहिस्सलाम ने एक गोटी ली, एक गोटी के ऊपर दम करके उस खाने के अंदर डाली। अब आप अलैहिस्सलाम ने वो खाना तमाम के सामने पेश किया, 40 के 40 सरदारों ने वो खाना खा लिया, और जैसे वो खाना मौजूद था ऐसी का ऐसा मौजूद रहा। उसके बाद एक दूध का प्याला लाया गया, उसके अंदर भी अल्लाह के नबी ने पढ़ करके कुछ फूका, वो भी 40 के 40 सरदारों के सामने बिल्कुल पूरा हो गया। अब आप अलैहिस्सलाम रब नबी की अपनी दावत देने के लिए जैसे कुछ बोलने के लिए चले, फौरन अबू लहब कहता है
कि इस अब मोहम्मद ने तो खाने के ऊपर जादू कर दिया, ये तो बड़ा जादूगर इंसान है, और ये कह करके तमाम लोगों को उठ कर ले करके चला जाए। उसके बाद दूसरी मर्तबा में आप गोए सफा के ऊपर चढ़ गए, गोए सफा के ऊपर चढ़ करके आपने एक आवाज़ लगाई, या सफाहा। ये आवाज़ वो आवाज़ थी कि जब ये आवाज़ कोई लगाता था तो इससे मालूम होता था, अंदाज़ा होता था कि कोई मुसीबत या कोई अहम बात पेश आने वाली। तमाम के तमाम कबीले वाले वहाँ आकर के जमा हो गए। आपने सबसे पहले अपनी सदाकत का इजहार कराया, कहा कि ए लोगों, मैं अगर ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, दुश्मन का लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तमाम के तमाम लोगों ने बयान सुबह करके कहा कि हाँ, हमने अपना आने का इल्ला सिद्का, कि हमने आज तक आपका जो भी तजर्बा किया है सिर्फ सदाकत ही के साथ, सच्चाई के साथ ही आपका तजर्बा किया है। हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है, हम आपकी यकीन तस्दीक करेंगे। अब आपने इस्लाम की दावत दी कि लोगों, मैं तुमको अल्लाह के आदाब से डराता हूँ, तुम अपने आप को बुतों की शिर्क बुतपरस्ती से बचाओ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से तुमको एक पैगाम पहुँचाता हूँ कि तुम अपने आप को बुतपरस्ती से बचाओ, अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो तुम जहन्नम के आदाब से बच जाओगे और तुम नजात पालोगे, अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो फिर तुमको कोई बचाने वाला नहीं। इतना कहना था। आपका सगा चचा अबू लहब कहता है, अपने हाथ को झटकता है, हाथ को झटक कर कहता है, तबन लगा लिहाजा जमाता या मोहम्मद, कि तेरा नाम सो नाउज बिल्ला मोहम्मद, क्या तूने हमें इसलिए यहां जमाई है? और ये कहकर के हाथ झटक करके चला गया। उसी वक्त यह आयत नाजिल हुई, तब बत यदा अबी लहब, टूट गए अबू लहब के हाथ और वो बर्बाद हो गया। माँ अगना अल माल माँ कसम, ना उसके उसका माल काम आया, उसके ना उसकी औलाद काम आई, ना माल काम आया। सैसला नारन दात लहब, अल करीब वो जहन्नम के अंदर जाएगा। जहन्नम में किस जाएगा? दात लहब, शोरों वाली आग के अंदर। अबू लहब का अबू लहब नाम क्यों पड़ा जानते हैं? अबू लहब जो था वो बड़ा ही खूबसूरत था। आज हमारा नौजवान क्या है कि अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। आज हमारा नौजवान क्या करता है? अपने आप को दुनिया के सामने खूबसूरत बनाना चाहता है। मेरे भाइयों, खूबसूरत अपने आप को बनाने से कुछ नहीं होता, जाहिर खूबसूरती से कुछ नहीं होता, असल खूबसूरती है बातिनी खूबसूरती, असल खूबसूरती है इताअत की खूबसूरती। अबू लहब बड़ा खूबसूरत था। अबू लहब उसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो रंग था वो बिल्कुल सुर्ख था, बड़ा खूबसूरत था। अल्लाह फरमाता है कि वो लहब यानी शोलों वाली आग के अंदर जाएगा। वमरातुहू, उसकी बीवी भी जाएगी। उसकी बीवी क्यों जाएगी? क्योंकि जो उसकी बीवी थी उम्मे जमील, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए क्या करती थी? जंगल से लकड़ियां चुन कर के लाती थी, और जो कांटों की लकड़ियां होती थी वो आपके रास्ते के अंदर डालती थी, आपको तकलीफ पहुँचाती थी। इसी वजह से कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने यह आयत ये सूरत नाज़िल फराकर फरमा दिया कि उसकी बीवी भी जहन्नम के अंदर जाएगी। हम मालतल हतब, के जो लकड़ियों का गट्ठर उठाने। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठर लेने के लिए गई, और जो रस्सी बटती है, रस्सी बांट करके उसने उस लकड़ियों के गट्ठर को बांधा और उस रस्सी को अपने गले के अंदर डाल दिया। गले के अंदर डाल करके वो आने लगी। उसकी जो गले के अंदर गट्ठर पड़ा हुआ था, अचानक से वो छूटा उसके सर से, और उसकी जो रस्सी थी उसी रस्सी से उसका गला टूट गया। उसी पर अल्लाह फरमाता है, फीजी दिया हबलुल मसल, इसके गले में बटी हुई रस्सी है। तो आप अलैहिस्सलाम को मक्की जिंदगी के अंदर किस किस तरह से अजियतें और तकलीफें पहुँचाई गई, आज अगर उन तकलीफों को हम पढ़ लें, उन तकलीफों का अगर हम तसव्वुर कर लें, खुदा की कसम आज हमारी मुसीबतें कुछ कुछ भी नहीं। आप अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे तकलीफें पहुंचाई गई, आपको जहनी असीयत भी पहुंचाई गई, आपको जिस्मानी असीयत भी पहुंचाई गई। जहनी असीयत कैसे पहुंचाई गई? जब ये सूरत नाजिल हुई, आपकी जो दो बेटियां थी रुकैया और उम्मे कुलथूम, आपकी दोनों बेटियों का निकाह होया था अबू लहब के दो बेटों से, उतबा और उतैबा से। जब ये सूरत नाजिल हुई, अबू लहब ने और उसकी बीवी ने कहा कि तुम दोनों जाओ और मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक देकर के आ जाओ। सारे कबीले वालों के सामने उतबा और उतैबा ने आकर के अल्लाह के नबी की दोनों बेटियों को तलाक दी है।
मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि जब किसी इज्जतदार और शरीफ इंसान की बेटी को सारे कबीले वालों के सामने जब तलाक दी जाती है तो उसके जिस्म के ऊपर, उसके जहन के ऊपर क्या असीयत गुजरती है, आप अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह के नबी को कितनी असीयत और कितनी तकलीफ पहुंची होगी जिस वक्त सारे कबीले वालों के सामने आपकी दोनों बेटियों को तलाक दी गई। मकसद क्या था? आपको जिस जहनी असीयत पहुंचा ताकि आप अपने दीन से बाज आ जाए। इस तरीके से आपको जिस्मानी असीयतें पहुंचाई गई, आप दीन का काम करते रहे, आपको शायर कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको पागल कहा गया, और यहां तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर थूका गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गला भी घोटा गया। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम के अंदर हरम के सामने नमाज पढ़ रहे हैं तो कुछ काफिर लोग बैठे हुए हैं, अबू जहल, उकबा बिन अबी मुईन और बहुत से लोग बैठे हुए हैं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल कहता है कि आज फुला कबीले के अंदर के ऊंट का ज़िबा हुआ है, कौन है जो ऊंट की ओझली लाकर मोहम्मद के कमर के ऊपर लाया था? तो उनमें जो सबसे बड़ा मलऊन और बदबख्त शख्स था उकबा बिन अबी मुईन, वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के वो उस ऊंटनी ऊंट की ओझली को लेकर गया, लाकर के जब अल्लाह के नबी सजदे के अंदर गए, अल्लाह के नबी की गर्दन के ऊपर उस ऊंट की ओझड़ी और उस ऊंट की ओझड़ी का वजन से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर को नहीं खा सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई, आप अपना सर नहीं उठा पा रहे, आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ी हुई आती है, छोटी सी उम्र थी, आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उस ओझड़ी को हटाया और हटाकर उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर पाते और देखते हैं कि जितने भी वहां पर सरदार बैठे हुए हैं एक दूसरे को ठट्टा लगा करके गिर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे, हंसी के मारे दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी ने एक एक का नाम लेकर के आप अल्लाह का अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुआ करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त जिस वक्त आप बद्दुआ फरमा रहे थे मैं वहां पर मौजूद था, आपने जिन जिन लोगों का नाम लेकर बद्दुआ फरमाई थी मैंने ग़ज़वे बदर के अंदर उनमें एक एक शख्स को देखा कि उनको घसीट करके ग़ज़वे बदर के अंदर कुएं के अंदर उनकी लाश को डाला गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ पहुंचाई गई, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई किसकी खातिर मेरे भाई? इस दीन की खातिर, इस दीन को हम तक पहुंचाने की खातिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह अज़ियत पहुंचाई गई। इसी तरह से हज़रत अबू तालिब को अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक अबू तालिब जिंदा रहे कोई भी आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं पहुँचा सका, आपकी हमेशा हिमायत करते रहे। एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि तमाम के तमाम कुरैश जमा होकर के अबू तालिब के पास आ गए और कहने लगे कि अबू तालिब अब बहुत हो गया, आपका भतीजा हमारे बुतों की बुराई करता है, हमारे आमाओ अजदाद को बुरा भला कहता है, अब आप उससे अपनी हिफाजत को उठा लीजिए, आप उसको हमारे हवाले कर दीजिए। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अंदाजा हो गया कि अब शायद मेरे चचा भी मेरा साथ ज्यादा दिन तक नहीं दे सकते। आपके चचा ने आपको बुलाया कि ए मेरे भतीजे मोहम्मद, अपने ऊपर अगर मेहर नहीं खाता, अपने ऊपर अगर तरस नहीं खाता गुना था, कम अज कम मैं बूढ़ा शख्स हूँ, मेरे ऊपर तो रहम था, अपने आप से बाज आ जा, इस दीन के बाद से बाज आ जा, इससे रुक जा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे चचा, अगर ये लोग मेरे एक हाथ के अंदर सूरज रखते, मेरे दूसरे हाथ के अंदर चांद रखते और फिर मुझसे ये कहे कि मैं इस्लाम की, अल्लाह के दीन की दावत देना बंद कर दूं, खुदा की कसम ये नहीं होती, मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मैं इस दीन की दावत देने से लोग अपने आप को नहीं रोक सकता। अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया। अबू तालिब ने जब ये सुना कहने लगे, ये मोहम्मद जब तक मेरी जान में जान है मैं तेरी हिफाजत करता रहूंगा। चुनाचे मेरे भाइयों, आज हम अपनी हालत को देखें, जो हमारी मक्की जिंदगी है, आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आज हम परेशान हैं कि आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है,
आज हमको सताया जा रहा है, आज हमको अकलियत की वजह से परेशान किया जा रहा है। हमारे सामने जो मक्की जिंदगी है वो हमारे लिए इस वक्त के हालात के अतबार से बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि आज जो हमारे मुल्क के हालात है, आज हम इस मुल्क के अंदर बड़ी अकलियत के अंदर है। सरकारी आदात के अतबार से आज जो मुसलमानों की यहाँ तादाद है वो 15% है। यही मामला मक्का के अंदर था। मक्का के अंदर जो मुसलमानों की तादाद थी वो बहुत ही मामूली थी। अक्सरियत मक्का के अंदर काफिरों मुश्रिकों की थी। और आप अलैहिस्सलाम के सामने क्या क्या तकलीफें आई और आपको किसकी तरह से सताया गया कि आपका सोशल बायकॉट कर दिया गया, आपको शेब अभी तालीम के अंदर मुहासरा कर दिया गया। तमाम के तमाम सरदार कुरैश के सरदार जमा हुए और कहने लगे कि मोहम्मद को अब्बास नहीं आएगा, ऐसा करते हैं कि इनका सोशल बायकॉट करते हैं, यानी जितने भी बनू हाशिम हैं इनका हम बायकॉट करते हैं। और तमाम के तमाम लोगों ने मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया कि हम ना तो इनके खानदान के किसी को कोई राशन पहुँचाएंगे और ना ही कोई तजारती काफिला आएगा तो वो इन तक कोई राशन पहुँचा सकता है। चुनाचे बिल्कुल बायकॉट कर दिया गया और शेब अभी तालीम खाली है उसके अंदर तमाम के तमाम मुसलमानों को बंद कर दिया गया, बाहर कर दिया। आज मेरे भाइयों हमारे सामने जरा सा लॉकडाउन लगा, हम परेशान हो गए, बेचैन हो गए। हालांकि हमारे सामने लॉकडाउन के अंदर सब कुछ हम कर सकते थे, खा भी सकते थे, पी भी सकते थे, हमारे पास हमारे सामने खाने पीने की चीजें सब कुछ मौजूद थी। लेकिन जिस वक्त आपका बायकॉट किया गया, हमारे सामने तो चंद महीने का बायकॉट, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का 3 साल तक मुसलसल बायकॉट किया। और मक्का के अंदर अगर कोई तजारती काफिला आता तो वहां तक उसको नहीं पहुंचने देते, पहले ही तमाम का तमाम सामान ले जाते। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ बाकी नहीं, फाके आ गए। उस घाटी से बच्चों के बिलखने की आवाजें आ रही है, औरतों के रोने की आवाजें आ रही हैं, खाने को कुछ नहीं बचा है। लेकिन उन जालिमों के दिल के ऊपर बड़ा बड़ा असर नहीं पड़ा। और ऐसा भी हालात आए कि फाके की वजह से जो उनकी जो कजाए हाजत होती थी वो मेलियों की तरह से पत्तों के ऊपर गुजर बसर करना उनको पड़ गया। इससे बुरे हालात हमारे सामने आ सकते थे, हमारे सामने इससे बुरे हालात नहीं आ सकते। मेरे भाइयों आप अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी को हम पढ़ें और उस जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मक्की जिंदगी के अंदर क्या तरह अमल किया, आप अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफें पहुंचाई गई, इतना सब कुछ किया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देने से पिछड़े। आप इस्तिकामत के साथ सब्र के साथ अल्लाह के दीन की दावत दे और फिर उसके बाद 3 साल के बाद मुहासरा भी खत्म हो गया। वक्त होता जा रहा है, वक्त तो बहुत लग पाया, आपकी सीरत तो ऐसी है कि कोई भी मौजू आप बयान करने लग जाए एक दिन के अंदर आप बयान कर लिए। मैं थोड़े थोड़े कुछ वाक़ात आपको बयान करता हूँ। और इसके बाद में ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का के अंदर बिल्कुल परेशान हो गए कि यहाँ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, चंद मुसलमान थे, चंद लोग थे जो आपके ऊपर ईमान ला चुके थे, फिर आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब जो ताइफ का मैदान है, ताइफ का सफ़र करते हैं कि वहाँ पर शायद वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ के बड़े खुशहाल लोग हैं, शायद वहाँ के लोग अल्लाह के दीन की बात सुनाएं। आप अलैहिस्सलाम ने ताइफ का सफ़र किया। इससे अंदाज़ा हमको ये मिलता है, इससे सबक ये मिलता है कि अगर हमको कहीं दीन की बात पहुँचाने में अगर हमको रुकावटें आए तो हमको फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, हमको ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हमको दीन की बात पहुंचाने के अंदर आसानी। अल्लाह के नबी ताइफ गए, ताइफ जाकर के बनू सकीफ के सरदारों से मुलाकात की और उनको दीन की दावत दी। लेकिन वो तो मालदार लोग थे, उन्होंने आपकी बात को नहीं माना, कहने लगे कि क्या नऊज़ु बिल्लाह सारे मक्का के अंदर सारे मक्का वालों को छोड़कर अल्लाह को सिर्फ तुम ही मिले थे एक नबी बनाने के लिए। इस तरह की बात, एक ने कहा कि मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं सुनता, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे ऊपर अज़ाब आ जाएगा और अगर तुम झूठे हो तो मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुनता। और इतना कहने के बाद
अल्लाह के नबी ने समझा कि शायद ये तो मालदार लोग हैं, ये तो सरदार लोग हैं, ये नई बात मान रहे हैं, कोई बात नहीं, जो इनके कौम वाले हैं वो शायद नई बात को मान लेंगे। आपने सलातो वस्सलाम उनकी कौम को दावत दी है। लेकिन उन सरदारों ने क्या किया, मक्का वालों का जुल्म था वो तो कहीं कम नहीं था, लेकिन ताइफ वाले तो उससे भी आगे बढ़े। उन सरदारों ने तमाम जितने भी ओबाश किस्म के लड़के होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, तमाम क्रिमिनल ओबाश किस्म के लड़कों को, गुंडों को अपने सलातो वस्सलाम के पीछे लगा दिया। मेरे भाई, जिस वक्त आप ताइफ से वापस हो रहे थे तो ओबाश किस्म के लड़के और नौजवान जो क्रिमिनल किस्म के होते हैं, दोनों तरफ से आपको घेर लिया, इधर से भी घेर लिया, इधर से भी घेर लिया। आप अलैहि सलातो वस्सलाम के पत्थर मारना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वक्त पत्थर लगे हैं, आपके जो टखने थे, आपके पांव मुबारक लहूलुहान हो गए, इतना खून बहा कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम का खून घिस करके आपके जूतों के अंदर खून भर गया। और अल्लाह के नबी जिस वक्त में थोड़ा सा कदम उठाते थे तो वही एक पत्थर फेंक करके मारते थे। अल्लाह के नबी को तकलीफ होती थी, उस तकलीफ की वजह से आप फिर लेट जाए। लेकिन वो जालिम, इतने बड़े जालिम थे, अल्लाह के नबी का मुंडा पकड़ते, मुंडा पकड़ कर फिर खड़ा कर देते, जैसे ही आप कदम बढ़ाते फिर आपके पत्थर। मेरे भाइयों, आप उस नक्शे का कभी तसव्वुर करके देखें, वो नबी जिसके सदमे में सारी कायनात को बनाया गया, जो नबी अल्लाह का सबसे प्यारा महबूब है, आज उसको ताइफ के मैदान के अंदर पत्थर मारे जा, उसका खून बहाया जा रहा। मेरे भाइयों, उसका वक्त के हालात का हम तसव्वुर करके देखें, मेरे नबी को क्या हाल हुआ, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून से लहूलुहान है, ताइफ से वापस आ रहे हैं, वापस आते हुए एक बाग के अंदर आप आराम करने के लिए, और वो बाग वहां पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आराम करने के लिए बैठे, वहां अल्लाह से आपने दुआ की कि अल्लाह आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया, किन जालिमों के हवाले कर दिया, ए अल्लाह मैं तो आपसे आफियत चाहता हूँ, अल्लाह मैं आपसे आफियत चाहता हूँ, मुझे इन जालिमों के हवाले ना। उसके बाद मेरे भाई, जब आपने दुआ की, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते, कहते हैं मोहम्मद कब तशरीफ लाते जिब्रील, पत्थर लगने के बाद, आपका खून बहने के बाद। हालांकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे पहले भी तशरीफ ला सकते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ताइफ वाले आपको पत्थर मार रहे थे, उससे पहले आप तशरीफ ला सकते थे, आपके पत्थर ना लगने देते। लेकिन मेरे भाइयों, हमको पैगाम पहुंचाना था, अल्लाह को इस उम्मत को ये बताना था कि तुम्हारे सामने ऐसे भी हालात आएंगे कि तुम्हारी मोबालिजी भी नहीं जाएगी, तुम्हारे पत्थर बरसाए जाएंगे, तुम्हारी मोबालिजी करके तुम्हें मारा जाएगा। लेकिन इन हालात में तुम्हें क्या करना है, इन हालात में तुम्हें मेरे नबी की सीरत को पढ़ना है। आज हमारे सामने यही हालात है, मुसलमानों को मोबालिजी करके मारा जा रहा है। तो इस वक्त में हमारे सामने जो नमूना है वो हमारे नबी की सीरत है। हमको अपने नबी के ताइफ का वाकया पढ़ना चाहिए, ताइफ के सफर के हालात को पढ़ना चाहिए कि हजरत जिब्राइल बाद में आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी पहाड़ों का फरिश्ता आया हुआ है, आप हुक्म दीजिए, अगर आप हुक्म दें तो इन पूरी बस्ती वालों को आपस में मिला करके इनका नामो निशान मिटा दें। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हुमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बन कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता, ये अगर ईमान नहीं ला रहे हैं तो यकीनन इनकी नस्लें को जरूर ईमान लाएंगे। और ऐसे हुआ, उनकी नस्लों के अंदर ऐसे बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े दीन के दाई बने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से जख्मों से चूर होकर जिस वक्त मक्का आते हैं, मक्का आने के बाद जब आपने देखा कि आपको इतनी तकलीफें पहुँचाई गई, और उसके कुछ दिन के बाद ही अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया जो आपके सबसे बड़ा सहारा थे, और उनके पाँच छः दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया।
उस साल को जो दसवां साल है नबूवत का, उसको आमुल हुज़्न कहा जाता है। क्या उस साल बेदर पे इतने गम पहुंचे, इतनी मुसीबतें और रंज पहुंची कि उस साल का नाम ही आमुल हुज़्न पड़ गया। एक तो ताइफ का वाकया, एक अबू तालिब जो आपके सबसे बड़े हमदर्द थे, जो आपकी हमेशा पुश्तुतनाई करते थे, उनका इंतकाल हो चुका। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो आपको तसल्ली देने वाली थी, वो इस दुनिया से रुख़्सत हो चुकी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल बेचैन हो गए, परेशान हो गए, उस वक्त आपको फिर मेराज कराएंगे। तो मेरे भाइयों, ये मैं बतलाता हूँ कि आज जो हम ये वाकयात सुनते हैं अल्लाह के नबी की सीरत के वाकयात, हमको दरअसल इसका अंदाज़ा और इसकी अहमियत और इसका जो दर्द है, इसका जो दुख तकलीफ है, वो हमको इसलिए पता नहीं होता चूँकि हमने इस तरह के हालात हमारे सामने ही आए। मैं आपके सामने मुख्तसर सा वाकया बतलाता हूँ जो हमारे इसी हमारे हालात के दरमियान पर पेश आया कि मौलाना शौकत साहब है, बरकत इस्लामुद्दीन से, वो एक जमात लेकर के गए और उनकी जमात के अंदर एक दारोगा थे। तो उन दारोगा को जब मौलाना शौकत बाहर मुलाकात के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, तो उन दारोगा को मुतकल्लिम बना दिया। अब वो जब दारोगा मुतकल्लिम बने तो एक शख्स को वहाँ पर बुलाया और उनसे बात करने लगे। जैसे ही वो उनकी ईमान की दावत देते और कोई जुमला कहते तो वो शख्स उन दारोगा को क्या करता, गाली देना शुरू कर देता, माँ की बहन की गाली देना शुरू कर देता। अब वो तो दारोगा साहब जब वो गाली बकता, फौरन मौलाना शौकत साहब को देखते। मौलाना शौकत कहते, भाई तुम अपने दीन की बात करो, तुम ध्यान ना दो। फिर दोबारा कोई जुमला कहते फिर वो गाली बकना शुरू कर देता। चुनाचे जैसे तैसे करके उन्होंने बात पूरी की और आकर के मस्जिद के अंदर आ गए। गश्त करके मस्जिद में जब आ गए और उसके बाद में जब खाने का वक्त हुआ तो तमाम के तमाम लोग खाने के ऊपर दस्तरखान पर बैठ गए। तो क्या देखते हैं मौलाना शौकत साहब, देखते हैं कि दस्तरखान के ऊपर जो दारोगा साहब थे वो नज़र नहीं आ रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दारोगा होता है उसका कैसा मिजाज होता है, वो तो किसी से गाली नहीं सुन सकता। आप सोच रहे होंगे कि शायद वो दारोगा साहब उससे बदला लेने चले गए, ऐसा नहीं था। मस्जिद बड़ी थी, जब उन्होंने देखा कि दारोगा साहब दस्तरखान पर नहीं है, उन्होंने जाकर के मस्जिद के कोनों के अंदर देखा तो मस्जिद के कोने के अंदर जाकर के देखा, देखिए दारोगा साहब नियत बांधे हुए अल्लाह के सामने नियत बांध करके खड़े। और क्या देखते हैं कि उनकी आंखों से इतने आंसू जा रही है, इतने आंसू जा रही है कि जो चटाई है, जो सब है, वो आंसुओं की वजह से बिल्कुल तर हो गई। मौलाना शौकत साहब वो सोचने लगे कि शायद मेरे दारोगा साहब को बड़ी तकलीफ पहुंचा दी, मेरे इनकी बात दे करके मेरे को बहुत तकलीफ पहुंचा दी। जब सलाम फेरा, सलाम फेर करके माफ़ी मांगने लगे कि दारोगा साहब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वजह से तुमको इतनी मशक्क़त और इतनी गालियों का सामना करना पड़ा। वो कहने लगे कि मौलाना मैं जो रो रहा हूँ, मेरे रोने की वजह उसका गाली देना नहीं है, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि उसने मुझको गालियाँ दी है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं अल्लाह के नबी का जो ताइफ का वाकया है, अल्लाह के नबी को जो मजनू कहने का, शायर कहने के जो वाकया थे, अल्लाह के नबी के चेहरे पर थूकने के जो वाकया थे, मैं उनको इससे पहले सिर्फ अपने कानों से सुनता था, मैं सिर्फ अपने कानों से सुना करता था, तो मुझको इसका एहसास नहीं होता था। लेकिन जब आज मुझको मेरे मुंह के ऊपर मुझको गालियां दी गई, आज मुझको मेरे नबी की तकलीफ का अंदाजा हुआ कि मेरे नबी को क्या तकलीफ हुई होगी जब मेरे नबी को, मेरे नबी को उनके सामने गालियां दी जा रही, जब मेरे नबी को पत्थर मारे जा रहे हैं, जब मेरे नबी के चेहरे पर के ऊपर थूका जा रहा, मेरे नबी को क्या तकलीफ हुई, आज मुझको अंदाजा हुआ है। मेरे भाइयों, आज जो हमको आपके नबी की सीरत को पढ़कर के एहसास नहीं होता, आज हमारे सामने वो हालात ही नहीं, आज हम रोना रो रहे हैं कि हमारे ऊपर हालात सही नहीं है, आज हमको परेशान किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारे आमाल तो ऐसे हैं कि अगर आज हमको काट भी दिया जाए तब भी हमको जर्रा बराबर रिमूव करने का हक नहीं है। आज इसे हमारे हालात है, नबी की सीरत हम सब के लिए नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब इन तमाम के तमाम हालात से और हम से बिल्कुल निडर हो गए, अब आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेराज को बुलाया, आसमान के ऊपर बुलाया, आपका एहसास किया, आपका इकराम किया। कुरान करीम कहते हैं सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा। एक रात आपको ले जाया गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहाँ पर आपको ले जाया गया, आपको ले जाकर के आसमान की सैर कराई। बाप मैं बहुत लंबा है, मुख्तसर बता रहा हूँ, आपको आसमानों के ऊपर ले जाया गया, तमाम के तमाम आसमान के ऊपर, हर आसमान पर इजाज़त दी गई, आप गए और वहाँ जाकर आप अल्लाह के दरबार में, आपको अल्लाह के दरबार के अंदर सबसे पहला वहाँ जो तोहफा मिला है वो आपको नमाज का तोहफा मिला है। कितनी नमाजें आपको मिली थी? सबसे पहले आपको 50 नमाजें मिली थी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब 50 नमाजें दी, आप अलैहिस्सलाम वापस आने लगे, छठे आसमान पर आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं कि अल्लाह के नबी आपको अल्लाह के दरबार से क्या मिला है, क्या तोहफा मिला है? कहने लगे कि मुझको अल्लाह के दरबार से 50 नमाजों का मेरी उम्मत को तोहफा मिला। हजरत मूसा कहने लगे कि 50 नमाजें तो बहुत है, आप ऐसा कीजिए अल्लाह के दरबार में जाइए और इन नमाजों के अंदर तकबीर कराइए, मैंने अपनी उम्मत को आजमाया है, वो 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। चुनाचे आप दरबार में गए अल्लाह के और आपसे अल्लाह से दरख्वास्त की कि आप मेरे 50 नमाजों के अंदर कमी कर दीजिए। चुनाचे 5 नमाजें कम कर दीजिए, 45 बची, फिर आए, फिर हजरत अबूसा मिल गए, कहने लगे कितनी बची? 45 बची है, 5 कम कर दी। आपने फिर कहा कि आप जाओ कम करो, करते करते आपकी 5 नमाजें बची। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 नमाजों को भी कहा कि ये भी बहुत ज्यादा है, मेरे ऊपर तो सिर्फ 2 ही नमाजें फर्ज थी, वो भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकी, आप 5 नमाजों के अंदर करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए मूसा बस अब मुझे अल्लाह के दरबार में जाने से शर्म आती है, और आपने इसलिए भी मना किया क्योंकि हर मरतबा में 5 नमाजें कम हो रही थी, अगर आपके जाते तो 5 नमाजें जो बची थी ये भी खत्म हो जाती, और जो इतना बड़ा तोहफा आपको मिला था वो खत्म हो जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 5 नमाजें लेकर आए और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए मोहम्मद आप सुन लीजिए कि मेरा जो फैसला है वो बदलता नहीं है, आपको अगरचे 5 नमाजें मिली हैं लेकिन आपकी उम्मत को इन 5 नमाजों के ऊपर 50 नमाजों का तोहफा मिलेगा। मेरे भाइयों, मेराज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज का तोहफा कहां से लेकर आए? आसमानों से लेकर आए। अल्लाह ने आसमानों के ऊपर बुला करके इस नमाज के तोहफे, और ये नमाज का तोहफा जिस वक्त सहाबाए किराम को मिला, सहाबाए किराम खुशी के मारे झूम उठे कि अब तो हमें दुनिया के सारे मसले हल करने का एक जरिया मिल गया। एक मेरे भाइयों, आज हम सब की सबसे ज्यादा गफलत इसी नमाज में। आप मेरे भाई के दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर हमारा कोई अजीज, कोई हमारा बहुत ही करीबी हो जो हमारे लिए बाहर मुल्क से कोई तोहफा लेकर के आए और हम उस तोहफे को लेकर उसको लेने के बजाय उस तोहफे को एक तरफ डाल दें, तो मेरे भाइयों उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसको कितनी तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन आज जो अल्लाह के नबी हमसे इतनी मोहब्बत करने वाले, हमारी खातिर अपने आप को जख्मी करवाने वाले, हमारी खातिर गालियां सुनने वाले, आज वो हमारा नबी हमारे लिए आसमान से नमाज का तोहफा लेकर आता है, लेकिन आज हमारे नौजवान की हालत देख लो, बूढ़ों की हालत देख लो, किसी को कोई देख लो आज नमाज पढ़ने के लिए तैयार। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती है कि जो तोहफा आसमानों से लेकर के आए, आज उसी तोहफे के अंदर आज सारी उम्मत गफलत कर रही है। आज हम अपनी मस्जिदों के हालात को देख लें, सिर्फ जुमे के अंदर हमारी मस्जिदें बनती हैं, उसके अलावा फजर के अंदर जो हाल होता है बहुत सब जानते हैं। मेरे भाई, कहां से हम उठाना नहीं दे सकते, कैसे हमारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं? अब इमाम साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने आप को ना बदले। हम कितना ही रोना रो ले, कितना ही हम अल्लाह से उम्मीदें लगा ले, जब तक हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं लाएंगे, जब तक आप फिर अल्लाह के नबी की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, उस वक्त तक मेरे भाइयों हमारी कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। तो ये जो आपकी 13 साल की जिंदगी है, ये हम सब के लिए नमूना है।
इसके बाद में आप अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म भी मिला है, उसके लिए दारुलवा के अंदर बाकायदा आपके कत्ल की साजिश भी की गई। क्या क्या ना तकलीफें पहुंचाई गई मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिश भी की गई। दारुलवा के अंदर लोग जमा हुए और एक मशवरा किया कि मोहम्मद को किस तरह से कत्ल किया जाए, तो वहां पर लोगों ने अलग अलग राय दी कि मोहम्मद को यहाँ से दरबदर कर दिया जाए तो इससे इनका दीन जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक ने राय दी कि मोहम्मद को किसी कमरे के अंदर कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाए, जब ये महीनों के अंदर वहां से नहीं निकलेंगे तो इनका जो मानने वाले हैं खुद बहुत मिल जाए। अब तीसरी राय अब चेहरे की कि नहीं ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा काम करो कि हर कबीले से एक एक नौजवान को चुनो और जिसके हाथ में तलवार दे दो और तमाम के तमाम कबीले वाले एक साथ मोहम्मद के ऊपर हमला करेंगे, जिससे तमाम के तमाम कबीले वाले एक साथ कत्ल करेंगे तो मोहम्मद का जो पिशाच है वो तमाम के तमाम कबीले वालों के ऊपर बढ़ जाएगा, उससे हमको परेशानी नहीं होगी। चुनाचे वहां पर एक बूढ़े की शक्ल में शैतान भी बैठा, वो कहने लगा कि हाँ ये राय है, हाथा मकाल इस नौजवान ने जो राय दी है ये राय बिल्कुल सच्ची, ऐसा ही काम करो कि मोहम्मद को आज रात कत्ल कर दिया जाए और तमाम के तमाम कबीले वालों से एक नौजवान को ले लिया जाए। लेकिन दारुलनदवा ऐसी जगह थी जहां पर ना कोई हमारा मुमिन था, ना कोई कैमरे लगे हुए थे, ना ही वहां कोई दूसरे को इतना देने वाला था। लेकिन मेरे भाइयों, जहां किसी का कैमरा नहीं होता, जहां कोई मुखबिर नहीं होता, वहां मेरे परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी के पास भेज दिया, ए नबी आपकी पत्नी की साजिश हो रही है, आज आप अपने बिस्तर पर आराम नहीं कर पाएंगे, आज आप अपने बिस्तर के ऊपर किसी दूसरे को आराम करवाएं। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अली आज रात तुमको मेरे बिस्तर के ऊपर न सोना है, आज मैं अपने बिस्तर के ऊपर नहीं सोऊंगा, आज रात तुमको मेरे बिस्तर के ऊपर सोना है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल जर्रा बराबर भी तशद्दुद नहीं किया, जर्रा बराबर भी चोटा नहीं किया, एतराज नहीं किया, हालांकि जान का खतरा था। ये होती है मोहब्बत कि नबी का कोई हुक्म अगर आ गया तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार। ये थे हकीकी में उस कुरान की आयत का हिस्सा, बात उनको रसूल का बोलू कि रसूल जिस चीज का तुमको हुक्म दे उसको मान लो, वो मान रहा तो मानू चलता हूँ, जिस चीज से मना करे उसको अपने आप लो। तो साहब किराम का ये थी मोहब्बत, ये हुक्म दे दिया कि तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, हालांकि जान का खतरा है, लेकिन बगैर किसी तरह दुख के आप वहां पर लेट गए। और एक चीज हमको इस वक्त ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर जिस वक्त आपको हुक्म दिया कि तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, एक चीज और कही कि मेरे पास मक्का वालों की कुछ अमानतें हैं, उन अमानत को तुम मक्का वालों के पास लौटा देना, उस अमानत को लौटा देना, क्योंकि मुझे हिजरत करनी है, उस अमानत को मक्का वालों के पास लौटा देना। इसमें हम सब के लिए एक सबक ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पूरा मक्का दुश्मन है, पूरा मक्का आपके खिलाफ है, आपके पत्नी की साजिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपकी सदाकत आपकी अमानत की वजह से अमीर की वजह से आपके पास अमानत रखी हुई है, आपके पास अमानत रखी हुई है। आज हमारे पास कोई अमानत तो बहुत दूर की बात है, आज हमारे ऊपर कोई एतमाद करने के लिए तैयार, क्योंकि हमारे पास वो सदाकत और अमानत ही नहीं। आज झूठ हमारी गुट्टी के अंदर पड़ा हुआ है, खयानत आज हमारी गुट्टी के अंदर है। मेरे भाइयों, ये सबक है, अल्लाह के नबी ने जब हिजरत करने का इरादा किया तो इससे पहले आपने हुक्म दिया कि मेरी अमानतों को वहां से लौटा दें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम रात को सूरह यासीन की आयत पढ़ते हुए और वहां से निकल गए, तमाम के तमाम लोगों की आंखों के अंदर उल्टी गई, आप बासानी वहां से निकल गए। यहाँ से आपकी हिजरत का आगाज शुरू होता है जो आपके सामने कर रहे मुकद्दस साहब आपके सामने बयान करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 13 साल मुख्तसर सी मक्की जिंदगी है, जिसमें हम सब के लिए पैगाम ये है कि हमारे सामने कैसे भी हालात आ जाए, हमारे सामने कैसे भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमको अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाना है कि हमको इस्तिकामत के साथ उसके ऊपर जमे रहना है, हमको इस्तिकामत के साथ सब्र के साथ अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना है और अपने अंदर सच्चाई को लाना है, अपने अंदर अमानतदारी को लाना है, अल्लाह के नबी की एक सिफात को, एक सीरत को
अपने अंदर अपनाने की कोशिश करनी है। तो ये अल्लाह के नबी की मक्की ज़िंदगी हम सब के लिए इस वक्त में जो हमारे हालात में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि हम अपने जो अखलाक हैं अल्लाह के नबी के अखलाक हैं सब्र करके और इस्तेमामत के साथ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके सामने अखलाक के जरिए से उनको हम इस्लाम के दीन की दावत दें तो इंशाल्लाह इसके जरिए से हमारे हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की तौफीक अता फरमाएँ और जो भी बातें कही गई हैं उस पर सबसे पहले मुझको और हम सब को इसको पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। वाह अलहमदिल्ला।